हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं इवनिंग में ब्लॉग को देना स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमारे यहाँ मेरे पापा के बड़े पापा के बेटे का देहांत हो चुका है। तो फिलहाल 4-5 दिन ही हुए हैं, उसी वजह से हम लोग ना दिवाली नहीं कर सकते। तो फिर भी अपने शॉप पे हल्की फुल्की जैसे पिछले साल मनाई थी वैसे मना रहे, और घर में भी सिंपल ही तरीके से मनाएंगे। तो लक्ष्मी पूजन करनी ज़रूरी होती है, तो इसीलिए तो मैंने थोड़ी सी तैयारी की है। हाँ, इस साल भी हमारी बहुत सिंपल तरीके से दिवाली जाएगी। और पहले तो सबसे पहले मैंने दिवाली की मुबारकबाद किसी को भी नहीं दी है, तो YouTube फैमिली को बहुत सारी दिवाली की शुभकामनाएँ, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। तो देखो मैंने किस टाइप से दिवाली की सजावट की अपने यहाँ, बहुत सिंपल तरीके से शॉप में तैयारी की है। तो ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से तैयारी की है, दिए लगा चुके हैं और नारियल रखा है, प्रसाद है और दिए वगैरह में तेल डाल दिया है। भाई आएगा तो फिर उसके बाद पूजा करते हैं, तो जब भाई आएगा तब फिर पूजा में मेरे साथ शामिल होइए। फाइनली हमने तैयारी कर ली है, दिए जल गए हैं, तो ये देखो बहुत प्यारा सा लुक व्यू आ रहा है। ये देखो, ये माता के पैर और दिए। बहुत सिंपल तरीके से दुकान में अपनी शॉप पे पूजा हो चुकी है, तो अगले साल भगवान मेहर करे, लक्ष्मी माँ हमारे घर पे सुख समृद्धि लाए, सुख समृद्धि लाए, तो हम अपने घर में बहुत धूमधाम से ना दिवाली मनाएंगे। तो किसी कारण हमने दिवाली बहुत सिंपल तरीके से मनाई, मैंने बता चुकी हूँ पहले भी। तो चलते हैं फिर घर जाके आपको दिखाते हैं घर की पूजा हमने कैसे की। तो शॉप पे मुझे देर हो गई थी, तो इसी कारण घर की पूजा हो चुकी थी, तो मैं लेट पहुंची, तो क्योंकि गुरुद्वारा भी जाना था इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी पूजा कर ली। तो अब मैं माथा टेक ले रही हूँ। तलन साहिब आ चुके हैं मत्था टेकने, तो देखो बहुत खूबसूरती से लाइटिंग वगैरह सजी हुई है, और हमें लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, घर और शॉप पे पूजा पाठ करने में टाइम लग गया, फिर भी लोग हैं बहुत, पूजा पाठ करके आए हैं और प्रसाद बाबा जी को चढ़ा रहे हैं। हर दिन अच्छा जाए। तो हम बहुत लेट हो चुके थे तलन साहिब आने में, तो कोई बात नहीं, फिर भी संगत है तो मत्था टेकने आए, सच्चे दिल से मत्था टेको तो हर इच्छाएं पूरी होती है। चालियन तीर्थ जाती जात।
हमारी दिवाली कैसी लगी आप लोग को तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमने बहुत सादगी से बहुत सिंपल से दिवाली मनाई। यदि आप लोग को पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। तो यहीं पे मैं ब्लॉग खत्म करती हूँ। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट। तो दिवाली के दूसरे दिन, जैसे कल दिवाली थी, आज छोटी बासी दिवाली है, तो आज के दिन पंजाब में विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। तो गाड़ियों को साफ कर दिया गया है, तीनों गाड़ी क्लीन हो गई है, तो मैं दिखा रही हूँ। तो तीनों गाड़ियाँ क्लीन कर चुके हैं। तो अंशु नहा चुका है, तो उनके मामा जा चुके हैं शॉप पे, तो अंशु ही करेगा तीनों गाड़ियों की पूजा। तो उसकी मामी गाड़ियों पर टीका करेंगी। पहले टिक्का तो कर लगा दो। नई छुपी है और तो ये नई गाड़ी है, तो नई गाड़ी की पूजा हो रही है। तीनों गाड़ियों की पूजा होगी, तो न्यू की थोड़ी स्पेशल पूजा होती है। नीचे है नहीं, ऊपर। वो हमारा नंगू तरंगू, उसे नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी नंगा है। वो बदमाशी कर रहा है। नहीं, नंगू तरंगू है। ये बहुत बदमाशी कर रहा है। ये देखो हमारे बच्चा को। चलो हो गया। तो वो अगरबत्ती करना, अब हवा चल रही है अंदर, तो करके आओ। ये देखो बदमाशी। ये ऐसे बच्चे होते हैं हमारे घर के, जिनको पानी में मजा आता है। ये देखो ये बदमाश बच्चों का हाल देखो। ये मिट्टी का हाल क्या कर दिया दरवाजे के आगे। देखो नंगू मंगू, और नंगू मंगू है, देखो डर है। तीनों नु कर, विचकार मारो पक्के में, और पानी तीनों टायर पे और अंदर फटाफट करना। जो जो पानी, चल चल चल, कोई बात नहीं, पानी थोड़ा थोड़ा डालो, अब सब में डालो सारा पानी। तुमको तोड़ना नहीं आया, आस्ते से तोड़ना था ना, जब पानी की छुट्टे ही पे। तुम तो ब्लास्ट ही कर दिया, एक बार थोड़ी तोड़ना था। उसने इतनी स्पीड से थोड़ा कि सारा पानी नीचे गिर गया। चलो छिट्टे पड़ गए, लो भी लो नारियल। चलो मत्था टेको, मत्था टेको, चलो मत्था टेको, मत्था टेक। चलो हमारी विश्वकर्मा पूजा की गाड़ियों की पूजा कंप्लीट हो चुकी है, तो चलते हैं अब शॉप पे। तो अब चली मैं शॉप पे, बहुत लेट हो गया, तो भाई को लेट हो रहा है, तो जा रहे हैं अब शॉप पे। और मेरा ये बच्चा बदमाशी कर करके क्या कर दिया, मिट्टी का हाल।